चेयरमैन पीटीआई इंट्रा पार्टी इलेक्शन में हिस्सा नहीं लेंगे। बैरिस्टर अली गोहर खान निगरान चेयरमैन पीटीआई के उम्मीदवार होंगे। पीटीआई का 2 दिसंबर को इंट्रा पार्टी इलेक्शन कराने का ऐलान। निगरान का मतलब -1 नहीं है। चेयरमैन पीटीआई ने इंट्रा पार्टी इलेक्शन की मंजूरी दे दी। अली जफर की मीडिया टॉक, इस एतमाद पर चेयरमैन पीटीआई का मशकूर हूँ, मैं अपनी जिम्मेदारियाँ निभाऊंगा। बैरिस्टर अली गोहर खान। जज धमकी केस चेयरमैन पीटीआई की बरियत की दरख्वास्त खारिज। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट इस्लामाबाद ने महफूज फैसला सुना दिया। समाअत 20 दिसंबर तक मुलतवी। चेयरमैन पीटीआई पर शहबाज गिल का रिमांड देने वाली खातून जज को धमकी देने का इल्जाम है। अजीजिया और एवेंटिंग रेफरेंसेस में सजाओं के खिलाफ नवाज शरीफ के पीरों पर समात। नवाज शरीफ इस्लामाबाद हाई कोर्ट में मौजूद। चीफ जस्टिस की सरबराही में इस्लामाबाद हाई कोर्ट का 2 रुकनी बेंच समात कर रहा है। अमजद परवेज ने दलाल का आगाज कर दिया। इसहाक डार समेत लीगी वर्कर्स और रहनुमा भी कायद नून लीग के हमरा। अदालत ने फ्लैगशिप रेफरेंस में कायद नून लीग की बरियत के खिलाफ नैब अपील भी आज समात के लिए मुकर्रर कर रखी है। नौ मई को फौज का तख्ता उलटने की भयानक कोशिश की गई, किसी को इल्म नहीं था। तहरीक इंसाफ तबाही बन जाएगी। नवाज शरीफ की दुश्मनी में नून लीग को निशाना बनाया गया। इलेक्शन वक्त पर होने चाहिए। बनीगाला का घर गैर कानूनी तौर पर बनाया गया। नवाज शरीफ की सजा का दिन सयाह तरीन दिन था। पैनामा का नामो निशान नहीं था। अकामा की बात सामने आ गई। नवाज शरीफ की हुकूमतें गिराई गईं। अब नवाज शरीफ की क्यादत में मैदान में उतरेंगे। इंतखाबी मुहिम चलाई जाएगी। शहबाज शरीफ की मीडिया टॉक। लापता अफराद बाजियाब ना हुए तो वज़ीर आज़म और वज़ीर दाखला पर मुकदमा दर्ज कराएंगे। फिर आपको और वज़ीर आज़म को घर जाना पड़ेगा। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस मोहसिन अख्तर कयानी का वज़ीर दाखला सरफराज बुगटी से मुकालमा। बड़े वाज़े अल्फाज़ में आपको ये बात समझा रहे हैं, बड़े ओहदों पर बैठे अफराद अपने आप को मुस्तस्ना नहीं कर सकते। एक हफ्ते में आप इन अफराद से मुलाकात करें और मसला हल कराएं। रिजल्ट एक ही होना चाहिए कि लापता अफराद के खानदान वाले कहें कि आपके प्यारे घर आ गए हैं। जस्टिस मोहसिन अख्तर कयानी के रिमार्क्स, बलोच तलबा की बाजियाबी के केस की समाअत में रिमार्क्स, समाअत 10 जनवरी तक मुलतवी। गुमशुदा अफराद के अहले खाना को खाने पर दावत देकर हर फर्द से बात करूंगा। लापता होने वाले अफराद के मामले पर हुकूमत पूरी कोशिश करेगी। तरक्की का ना होना शरपसंद अनासर को तकवीत देता है। बलोचिस्तान की तरक्की के लिए मखसूस वक्त और ज़राए मुकम्मल काम करेंगे। सरफराज बुगटी की मीडिया टॉक। फैजाबाद धरना कमीशन तहकीकात, धरना खत्म करने के लिए माहदा हुकूमत की जानिब से किया गया। ड्राफ्ट मैंने नहीं देखा। खत्म कराने का फैसला हुकूमत का था। कमीशन जनरल तहकीकात कर रहा है। जो हुआ बतौर वज़ीर आज़म मेरी जिम्मेदारी थी। धरने में अगर किसी ने कानून तोड़ा तो कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। शाहिद खाकान अब्बासी ने बयान रिकॉर्ड करा दिया। तहकीकती कमीशन ने साबिक वज़ीर आज़म का बयान रिकॉर्ड का हिस्सा बना दिया। कमीशन ने तहकीकात के लिए शाहिद खाकान अब्बासी को सवालनामा भी दे दिया। शाहिद खाकान अब्बासी 1 घंटे से ज़ायद कमीशन के सामने मौजूद रहे। बुशरा बीबी की 190 मिलियन पाउंड और तोशाखाना केस में अबूरी जमानत में 6 दिसंबर तक तौसी। चेयरमैन पीटीआई की तोशाखाना केस में दरख्वास्त जमानत पर समाअत भी 6 दिसंबर तक मुलतवी। एहतसाब अदालत के जज मोहम्मद बशीर ने अडियाला जेल में समाअत की। दरख्वास्त गुजार के वकील की इस्तदा पर समाअत 6 दिसंबर तक मुलतवी। हमें ताने देने वालों का क्या बाप पार्टी से इतिहाद हलाल हो गया। ज़िमनी इलेक्शन में 20 सीटें नहीं जीत सके और अब 120 नशिस्तें जीतने का दावा कर रहे हैं। मुल्क पर रहम किया जाए, साफ और शफाफ इलेक्शन होना बहुत ज़रूरी है। बलोचिस्तान में इलेक्टेबल्स पर दबाव डाला जा रहा है। फैसल करीम कुंडी और शाजी अमरी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। और फजाई आलूगी की सूरत हाल बदस्तूर तशरीशनाक। लाहौर का दुनिया के आलूदा तरीन शहरों में दूसरा नंबर। शहर का औसतन एयर क्वालिटी इंडेक्स 244 रिकॉर्ड। मॉल रोड के गिरदो नवाह में एयर क्वालिटी इंडेक्स 477 रिकॉर्ड किया गया। फजाई आलूगी के बाद शेख मुख्तलिफ बीमारियों में मुबतला होने लगे।